जहां पर ग्राम पंचायत गुलावास में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं ग्रामीणों ने इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत भी करी है। तो देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दौसा जिले की रहुआस तहसील में बुधवार को ग्राम पंचायत डोलावास में ग्राम सभा का सरपंच छनमन देवी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। वहीं ग्राम पंचायत डोलावास में ग्राम सभा के दौरान विकास कार्यों के प्रस्ताव एवं नरेगा कार्य योजना के तहत ढाणियों को जोड़ने का ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर अनियमितता का मुद्दा बिछाया रहा है। ग्रामीणों की माने तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों को पोषाहार वितरण में अनियमितता करने का ग्रामीणों ने ग्राम सभा में कार्यकर्ता पर आरोप लगाया। ग्राम सभा के दौरान सरपंच हनुमन मीणा, ग्राम विकास अधिकारी श्रवणलाल मीणा, उप सरपंच हरिराम मीणा, समाज सेवी बाबूलाल मीणा, बसंती लाल कैलाश कमलेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया था सरपंच साहब की अध्यक्षता में, लेकर विकास कार्य को लेकर चर्चा की, जो विकास हुआ उसके बारे में लोगों को बताया गया। एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है हमारा फोरम का, और आगामी विकास को लेकर चर्चा की गई, और जो भी गांव के लोगों का पंचायत के लोगों के प्रस्ताव थे प्रस्ताव लिए गए, जैसे नरेगा का काम है, तो पानी की टंकियाँ हैं, रोड है, उनको लेकर शायद उसके प्रस्ताव लेकर जल्द ही निर्माण कर विकास कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, उसको लेकर ठेकेदार को लाकर हमने पाबंद किया है पूरी फोरम ने, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, अच्छी क्वालिटी का काम होना चाहिए। और मीटिंग के अंदर ग्रामवासियों की तरफ से एक आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण को लेकर नियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, उसको लेकर हमने सी डी पी ओ साहब को फोरम की तरफ से लिखेंगे और सहायता को हम अवगत कराएंगे कि आप पोषाहार वितरण अनियमितता ना बरतें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।